भगति के बल से देखना में जा को हमारे हो जा जग में देखो मंगल गाय सपूत जने ये तो विष्णु के चिरचन कही है और नार बड़ी नौ रंगी है सब रंगों में रंग जाती है देखो ढके तो कुल के कुल ढक जे नई नंगी भी हो जाती है अरे लक्ष्मी और को लक्ष्मी नारी बेहोदा बन जाती है जग तरह तरह के रूप बड़े ये तो जग जननी कहलाती है अरे कायर पको धक धक करत कले जाए जब रूप धरे बातंडी को सब बदल जाइए ले जाए अरे वंश बढ़ा दे अनगिनती के वो नाश करा दे पल भर में अरे आतन मार पति अपने को सती हो जाए मार घट में चर मन की सुनो कहानी बा घर में चार फिरानी ओ माँ बाप बहू और बेटा ए संग में निखट्टो चंचल मन की भारी चट्टो अंधे माँ बाप बिचारे दुख पारे भारे भारे अरे बदो चक मलीता खावे चोला पे हुकम चलावे सब घर को काम करावे नित बिना बात धमकावे अरे काकर मन को लेख देख जसरथी मिली लुगाई अरे दीपे में दीकार भलाई फटाफट मंडा रंगा सुख पातो अरे के ऐसी रांड बिना तो रंड वही चोखो मर जा तो अरे आतन से फटाफट मंडा रंगा सुख पातो अरे के ऐसी रांड बिना तो रंड वही चोखो मर जा तो अरे जा घर में नित हो ये लड़ाई और बाकियों खैर नहीं देखो ओ शरमण होया लाचार एक दिन देख लियो बाने मौका अरे जा घर में नित हो ये लड़ाई और बाकियों खैर नहीं देखो ओ शरमण होया लाचार एक दिन देख लियो बाने मौका अरे संतन की मंडली आई मदारी द्वार घूदावे रे ओ बरे कोम में को मेला घर को थोड़े तक भग जावे रे अरे संतन की मंडली
बोल बटी कपड़ो घर वाली बोले लठ हाथ में बाजे मेरे पीछे पीछे दौड़ी आवे देती जावे हेला रे ठहर जा बनाऊं तो गु बाबा जी को खिला रे न्याय पे दिखाऊं पेरी दुनिया को मिला रे घर से भेजायो के भी छोड़ के अकेली रे अरे अरे खाको जा रे थोड़े आरामी तन मेरी करवा दई बदे झट देखो लटकू उठायो है अर्थ न करिए छत पीठ पे जमायो है दुनिया की भीड़ लगी ऊंट सो बैठायो कोई ना बचावे या तो मारो डकेरायो है अरे अरे बारी बारी खोटी की सुनाई पकड़ो हाथ खेत घर लाई बारी बारी खोटी की सुनाई पकड़ो हाथ खेत घर लाई ये रे पीछे को लिखो लेख बेटे से बेटे को नाइन रुपयो जन्म दायो खानू या कुछ समझाए कुआ बैड में गिरेगी जा अरे अरे अब क्या करूं पेट नहीं खावे कर मने हर को ध्यान लगावे अब क्या करूं पेट नहीं खावे कर मने हर को ध्यान लगावे विष्णु भगतन के प्रतिपाला नट भर ना कर दीन दयाला सुन लई चेर करी नहीं देर फेर बा व्रत लोक में आयो रच दई अजब निराली माया दर लई है तो भाई नगरी में आयो अरे जो लीला प्रभु करे जगत में वो वेदन नहीं पाई अरे राई को पर्वत बन जावे हो पर्वत है जय राई हर की लीला अपरंपार देख नहीं पायो है हर एक धर लिया है साधु को भेष द्वार पे आयो है हर एक हर की लीला अपरंपार देख नहीं पायो भैया। प्रिय बंधु हो भक्त श्रवण कुमार अपनी घरवाली से बेहद परेशान हो चुका था। अच्छा जय हो। एक दिन उसके गांव में होकर महात्माओं की मंडली जा रही थी। अच्छा उन महात्माओं को देखकर भक्त श्रवण कुमार रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है और पूछने लगता है कि बाबा कहाँ के लिए जा रहे हो कि बेटा कुंभ के मेले में स्नान के लिए जा रहे हैं माही स्नान बनाएंगे माही भगवान विष्णु के दर्शन पाएंगे। जय हो। बंधु हो कहने लगा भक्त श्रवण कुमार कि बाबा मैं भी चल सकता हूँ तुम्हारे साथ में कोई आपत्ति तो नहीं है कि नहीं बेटा कोई आपत्ति नहीं है खूब चलो हमारे साथ में तो अपनी घरवाली से बिना पूछे भक्त श्रवण कुमार उन महात्माओं के साथ में कुंभ के मेले के लिए निकल जाता है। जय हो। एक पाड़ोसन देख रही थी वो भक्ति भक्ति भक्त श्रवण कुमार की नारी के पास में पहुंचती है बिंदा के और कहती है कि बहना तू तो यहाँ बैठी तेरे पति तो महात्माओं के साथ में कुंभ के मेले के लिए गया हुआ है। जय हो श्री राधे। कितनी दूर पहुंच गया कि अभी तो थोड़ी दूर पहुंचा रोकना चाहती है तो रोक सकती है तो आइए बंधुओं हाथ में लठ लेकर वो भक्ति हुई जाती है और आगे जाकर भक्त श्रवण कुमार नजर पड़ जाता है उसका रास्ता घेर लेती है और हाथ पकड़कर अपने घर ले आती है। दिन छिपते ही एक रस्सी लेती है दोनों हाथ एक खाट की पाटी से बांध देती है। उस लीला को विष्णु भगवान देख रहे थे नारद को बुलाया कि हे नारद जी मृत लोक में मेरे भगत पर जबरदस्त भीड़ पड़ रही है चलो मृत लोक में चलना चाहिए तो आइए बंधुओं किस प्रकार से अपने भगत को रस्सी से मुक्त करता है आधी रात्रि के समय और खुद श्रवण बन जाता है और अपने भगत को नारद के पास साथ में कुंभ के मेले के लिए भेज देता है तो किस प्रकार से श्रवण बनकर उसकी घरवाली को समझाता है श्रवण की को और आगे कैसे कथा बनती है वो कथा कीर्तन के माध्यम से सुना भैया। तो भैया राम किसी को मारे नहीं नहीं है दोषी राम जे हो अपने आप सब मर जाते हैं तो कर कर खोटे आमें श्री राधे।
तो बंधुओं विष्णु भगवान श्रवण के रूप में उसकी श्रवण की घरवाली को किस प्रकार से समझाता है, लेकिन ये पता नहीं था कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार मेरे पति के रूप में यहाँ आ चुका है। कोई अता पता नहीं था श्रवण की नारी को, तो कैसे समझाता है भगवान विष्णु, कैसे समझाता? अरे सुनाइए। अरे अरे राम किसी को नहीं मारे भैया नहीं है दोषी राम, जय हो। अरे अपने आप सब मर जाते हैं अरे कर कर खोटे काम, राम को दोष लगावे समझ तेरे नहीं आवे, ओ राम को दोष लगावे समझ तेरे नहीं आवे, भाई राम किसी को नहीं मारे भैया नहीं है दोषी राम, अरे अपने आप सब मर जाते भैया नहीं है दोषी राम, अरे अपने आप सब मर जाते हैं कर कर खोटे काम, राम को दोष लगावे समझ तेरे नहीं आवे, अरे राम किसी को नहीं जैसे भैया तेरे नहीं आवे, अरे राम किसी को नहीं मारे भैया नहीं है दोषी राम, अरे अपने आप सब मर जाते हैं कर कर खोटे काम, राम को दोष लगावे सब तेरे नहीं आवे, अरे दुख तोड़े सुख गणे जगत में भोगे दुनिया सारी, ओ सुख तोड़े सुख गणे जगत में भोगे दुनिया सारी, किस किस के दुख दूर करेंगे सब दुनिया दुखियारी, ओ किस किस के दुख दूर करेंगे सब दुनिया दुखियारी, और कर्म प्रधान बतायो जग में कर्म की लीला न्यारी, राम को दोष लगावे समझ तेरे नहीं आवे, हरे राम किसी को नहीं मारे भैया नहीं है दोष राम, अपने आप सब मर जाते अरे कैन न माने रोग रही छे मैं समझाओ नारदन, हट जा पैरण आगे से हरी द्वार के जाना आज मने, हरी द्वार के जाना आज मने, अरे कैन न माने रोग रही छे मैं समझाओ नारदन, हट जा पैरण आगे से हरी द्वार को जाना आज मने, अरे द्वार को जाना आज मने, ओ दौड़ पीछे तूते होता जब बाज रान जो पड़ गई तेरे पीछे, अरे तेरी करनी तो कोई भरनी गांठ बांध काले जागी या चार दिना की चंडी जवानी कछु दिन पीछे ढल जाग, अरे कर्म धर्म को ख्याल नहीं तेरे या धर्म कछु हत नहीं है, तेरे धरती पे नहीं पाँव टिके तो आसमान में उठ रही है, अरे मर्यादा सब तोड़ दही तने लोक लाज कछु नहीं जाना, मैं सब दुनिया से कह दूंगा भाई असीलू
हमारे सास ससुर नारी के तीरथ पति देवा के देवा है। तो सास ससुर की करे पिताई बलम करे तेरी सेवा है। बंधु हो क्या होता है, क्या होता है भैया? एक दिन शरमण की नारी अपने पियर से अपने भैया को बुला लेती है। अच्छा, दोनों भाई बहनों में एक मता करते हैं। क्या उपाय बताओ भैया? भक्त शरमण कुमार का शीश काटने का। जय हो। बंधुओं, घर के अंदर एक गहरा गड्ढा खोद लिया और जितने भी रुपए पैसे थे उसको गांठ बांध कर एक कोने में रख देते हैं। जय हो। दिन छिपते ही अच्छे अच्छे भोजन बनाए, सभी ने भोजन पाए और दो खटिया बिछा दी, नए बिस्तर लगा दिए। जय हो। जिस खाट में भक्त शरमण कुमार सोया था उस खाट के नीचे निशाना बनाकर अपने घर चले जाती है अंदर, और रात्रि के 12 बजते ही अपना पति का शीश काटने का विचार बना लेती है। जय हो। बंधु हो, जब रात्रि के 12 बजे वो भुवर औरत तलवार लेकर घर से बाहर निकलती है तो भगवान विष्णु की कृपा से वो खाट आपस में बदल जाती है, अपने भैया की जगह अपना पति की खाट आ जाती है और पति की खाट के जगह अपने भैया की आ जाती है। जय हो श्री राधे। अपने पति के भरोसे अपना सगा भाई का शीश काट देती है और जब दूसरी खाट में सोए हुए अपने भैयों के भरोसे जगाती है उसमें अपना पति नजर आता है। धरन पचाड़ा खा जाती कि ये भगवान मेरे हाथों से ये क्या अन्याय हो गया, मैंने मेरे पियर की मटकी फोड़ दी, मेरे सगा भाई का शीश काट दिया, मेरे भात कौन भरेगा, और रोती है बिल्लाती है, धरन पचाड़ा खा जाती है और दिन उगते ही सारे गांव को इकट्ठा कर लेती है, पंचायत जुड़ जाती है। जय हो। उधर लक्ष्मी विष्णु भगवान के लिए व्याकुल हो चुकी थी, 6-6 महीने बीत गए लेकिन विष्णु भगवान लक्ष्मी के पास में नहीं पहुंचे। नारद जी को बुला लिया लक्ष्मी ने, कहने लगे कि हे नारद जी, कहीं विष्णु भगवान का पता हो तो बताइए, 6 महीने बीत गए मेरे पास में नहीं आए। नारद जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, मेरे को भी 6 महीने हो गए उससे मिलने के लिए, बहुत तड़पता हूँ विष्णु भगवान के लिए लेकिन कहीं दर्शन नहीं हुए। एक बार मेरे साथ में मृत लोक में एक शरमण नाम के भगत के घर जरूर गए थे, उसके बाद में मेरे को कोई दर्शन नहीं हुए। तो लक्ष्मी और नारद जी दिन का छिपा छिपी में शरमण के गांव आ जाते हैं, प्रकट हो गए वहां पर। शरमण की नारी बिंदा इधर उधर घूम रही थी, विष्णु भगवान खटिया में बैठे हुए नजर आ जाते हैं। लक्ष्मी कहने लगी कि हे नारद जी, मैं क्या हाल बनाती हूँ, आप देखते रहिए।
तो आइए बंधुओ, श्रवण की नारी में और लक्ष्मी में क्या विवाद होता है, राग कैसे कथा कीर्तन के माध्यम से सुनिए। चला भैया तो क्या कहती है लक्ष्मी जी, क्या कहती है? अरे सुनाई, अरे आरे रे रे तो मैं समझूंगी मेरे बल में। कैसे भैया? आरे रे तो मैं समझूंगी मेरे बल में, अरे हजारी रे तू बन रहो छेला जवान करूं तेरी खुआरी रे। अरे रे 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 तो को मैं समझूंगी मेरे बल में हजारी रे, तो बन रहो छेला जवान करूं तेरी खुआरी रे। अरे लक्ष्मी गई आगे बबोला शर्मण के घर आई रे, ओहो जान गई पहचान गई पिया तो ये शर्म नहीं आई रे। अरे लक्ष्मी है गई आगे बबोला शर्मण के घर आई रे, ओ जान गई पहचान गई तो ये शर्म नहीं आई। ओ मैंने देख लही तेरी साला की पिया बोल करी तन नाला की, ओ मैंने देख लही तेरी साला की पिया बोल करी तन नाला की। ओ तो जन्म जन्म को छलिया ए सखियन को तीर चुराया, चल कर तीनों जाए कुछ भक्त मेलन में, अब और जगह कौ नहीं पाई तो आप बिरो जाके घर में। तू बिगड़ो भड़वन को ढोला क्यों मेरी जात कुटाई, या तो तन में कमी तो कुलाज शर्म नहीं आई है। अरे रेट लटक रहो भोंडन के छह महीना की या नाई, अरे कुल्ले बाल टपक रही जो वहां तो तेरे मन भाई गोजारी मेरा बल माँ को ले रे भाई जाई। तेरा कदम गयो कहाँ भाभी मेरा ढोले पे हुई क्यों आबी, तेरी मौज मेट दो सारी तरम से भारी जुलम गोजारी का तू निबल जान रही मोको कर के खेल भुला दो तो को बंदा पड़े लड़े तो कनिया ताड़ी देख रही सब दुनिया, या तो बात धींग से अटकी झटका तेरे धरन पे फटकी। जुड़ माँ दुनिया को मेला आपस में दे रही न्यो हेला, भक्ति अयो री भगवंती जिजबई राजपति राजंती, सबो ने पाखड़ में घेरी पण तो पड़े बावली पोछे सकी लक्ष्मी से रही न्यो पूछे, रान तू कौन कहाँ से आई घर बैठे चली कर लड़ाई। अरे सुन मेरी बहना तो समझा दूं या हो दुलम गुजारी, अरे कर कर मीठी ओ बात रांड मेरा बलमा को ले वो मेरे कदम बता लई फेर बोल दियो लातन से। अरे किया तो है लातन को जीव माने नहीं पातन से, अरे कि मेरो कसम बता लई फेर बोल दियो हाथन से।
तब नगरी में दुनिया ना बदलावे रे ओ पे मतलब को बंदर प्यो कदु बात समझ नहीं आवे रे अरे हैला है गयो सब नगरी में दुनिया नो बदलावे रे ओ पे मतलब को बंदर प्यो कदु बात समझ नहीं आवे रे अरे जुड़ गई ये पंचायत गावे की ओ पंच सभी माया आवे रे ओ शरण बिंदा और लक्ष्मी तीनों प्राणी बुलावे रे अरे जुड़ गई ये पंचायत गावे की ओ पंच सभी माया आवे रे ओ शरण बिंदा और लक्ष्मी तीनों प्राणी बुलावे रे ओ लक्ष्मी विष्णु तो बांध दिए नारद जी ने तम जावे ओ लक्ष्मी विष्णु तो गुणों भाई पंच धरो सब ध्यान करो घट भीतर घेरो ज्ञान जने पहचानी जानी हो सबूती गवा बिना गुण देव तुरंत यज्ञ भैया को बलवावो ये ला भेना पैदल भाव पंच ने हुक्म नार को दिया ये ला भीरन को दे दिया भैया जिंदो है के फिर मन सारो भेद बतायो जीता है निर्दोष बिचारो दोवर या बहना ने पाड़ो एक मटकी तो पेट बनाए नित के नए नए पाप कमाए भूल गई फूल नार घबराई करनी आंख ने आगे आए नार को दे दियो देश निकालो परिकर गियो जीता को साड़ो नारद विष्णु जी पतिड़ावे लक्ष्मी को सारो भेद बतावे अंतर ध्यान होए भगवंता देखत रह गई सारी जनता कावड़ शरमन ने बनवाई मैया पाप लिए बैठाई तीरथ करवा वाले जावे भक्ति करे हरि गुण गावे हरि पीड़न में फल लटक रहे नए फल नहीं फिर लटकायो पूर्व जन्म को है बदलो शरमन ने खूब झुकाय हंसा हो रे हंसनी कछुआ को लटकायो रे हर एक बदला ना छोटे बेटा बन कर दे चुकायो रे हर एक हंसा हो रे हंसनी कछुआ को लटकायो रे हर एक बदला ना छोटे बेटा बन कर दे चुकायो रे अरे पेड़न में फल लटक रहे लटकायो पूर्व जन्म को है बदलो शरमन ने खूब छोरा छोरा हंसा छोरा हंसनी कछुआ को लटकायो रे हर एक बदला ना छोटे बेटा बन कर दे चुकायो रे हर एक हंसा बोले हंसनी कछुआ को लटकायो रे हर एक बदला ना छोटे बेटा बन कर दे चुकायो बोल बजरंग वाली की जय बोल बंसी वारे की जय